राम राम जी सभी को, कैसे हो आप साहब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सीमा में स्वागत है। तो आज दिन है शनिवार और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं। तो बस अभी एक वीडियो बना करके आप लोगों के पास भेज दिया है और अब अपना जो ब्लॉग है वो भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि व्हीकल के लिए जो ब्लॉग है वो भी तैयार करना है। तो ये देखेंगे अपना कुछ खाना पीना, मैं के बनावांगे के बनावांगे। ना हलवा? हलवा ना तो मेरा भी जी कर रहा है। आ देखो ये मेरी माई इस ड्रेस ने नहीं बदलती, नहीं यो कुर्ता के हिसाब हो गया जमाए। फिर मासू आओ तो इसका मतलब ये थोड़ी है, नहीं भाई इसे ना पैर लोग देखियो, ये बाप नहीं हो ये पैर दिखती। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी तेरे को ना कुर्ता पहन। ये ना नीचे शरारत कर रहा था, बार बार बैल बजा रहा है, बार बार जमा बिल्कुल भाई पता नहीं। राम जी सुंदरी का कुर्ता तो मैं सूत रहा हूँ, दुखाई है पैर, एक बार तो कौन पैर के जाऊं और क्या पहनूं गर्मी में। अच्छा एक बार पैर जाओ जो बदलो ये पैर है तो ये तो आराध जी कर रहा है हलवा खाने, मालवा बना लेने का मेरा भी कर, मैं कर लिया तो मेरा जी लग रहा है, नहीं तो ऊपर नहीं आया जाता। ऊपर नहीं आया जाता क्यों? ऊपर आपकी पोती रही बेटा रहे, हमें तो जा रहे माँ बेटा है नहीं बेटा, ये तो पैर भीग जाए हमें अभी शोर करने वाले। जहा तो जहा वो बुकाए रखा है और मैं आज सारा दिन घर आ रहा हूँ जहाँ तक, क्योंकि भी आराध्या का भी सही काम, सवेरे उठते स्कूल में जाओ तैयार हो गया, फिर आवे थोड़ी देर बेचारी थोड़ी सी देर रहा फिर ट्यूशन पर चली जावा, फिर ही वहा हो गया दे रहा हूँ 7-10 मिनट रहा है। तो इस ऊपर तो मैं रोटी भी खाई नहीं, बाद में का चूल्हा पर मार एक तो चूल्हे मतलब जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चूल्हा निचाड़ा वो मैं लेगी और यो मैं जान करके कौन लेगी, क्योंकि ना फिर इसमें वजन भी ज्यादा है और फिर शीशे का है तो थोड़ा सा डर भी रहा भी ले जान लेन में, तो वो अड़वा सा था वो ले गए थे हम डाल के। है ठीक है गैस बच जाएगी इस घर में, तो हूँ तो मेरा मुंह करे कर दिया ले जाने। नहीं मैं तो कहूँ इसमें नीचे रख लो बस, थोड़ी साफ सफाई कर दे रही हूँ क्योंकि इसकी सफाई ज्यादा करनी पड़े, नहीं खराब हो जाएगा। मन ने कौन तराया तार तो जिंदा सुनती माँ क्यों खराब करे, चीज रोज थोड़ी आवे कि मैं नहीं आना ना तुके इसका है पूरा, तो फिर भी और तो मटोरे मट जाएगा। हाँ उड़े ना माटी बहुत ज्यादा गिरा ऊपर था तो इस करके सारा यहाँ तो यू जमा चमकिया जावे सारा दिन। और मैं तो जब विंडो के में करूँ सा तो करूँ फिर, अब तो रोटी पूरी हो गई लो अब भाई खा लियो, आलू बना दी कर दाओ तो आ जियो सारे सब्जी रे सब्जी देख लेगी तो ही मनाइए, मैं तो नहीं बनाता सब्जी। कल मेरी माँ ने दाल बना रखी थी, गोता मारे भी दाना को नहीं पाओ तो मैंने कल रात में भी एक रोटी मुश्किल खाई थी और सवेरे भी फिर एक रोटी खाई, मन तो क्या बना तो चटनी में प्याज मार के चटनी छुक रही, इतना नमक नू का मन तो किसाए पा जाओ नू थोड़ी खाया जावे यार, सुपर सुपर ये किसाए कि मैं भी हो फिर मिठा ले आई वे के नीचे द मान में भूखी मरे फिर मेरे पर रोटी कौन खाई जाओ भी भूखी व्यसन तो चाहे मेरी नानी कह अगर दी चला तर इतने करे है टिकड़ा एक खाओगी छछर इतने करेगी जनू मेरा नहीं कितनी करड़ी भूख लग रही अंदर कितनी खा जाएगी, पर खाने का टाइम पे थोड़ी ही ले आई बेटी मां खा जाएगी नहीं डर बेरा मेरा रोटी खाने का सपना है। आए मां आज दुख लाए दे इतनी देर में आए, वो दूसरा कौन है टूटा फूटा थोड़े के काम मन का ना वो पड़ा है एक के है यू बीच में ट्राईपॉड वहां पे रह गया तो दिक्कत हो रही है। जन्मदिन इनका मेरे पोते का ओड़े मनावांगे सारे आके। अरे वापस सवेरे तो मेरे काकी रात को कह रही थी मेरे पोते का जन्मदिन कद है आड़ा आ जाइए, तारीख दिखवाई भाई के बार में पड़ेगा दिखा बार है तू आ गया तो फिर बार का पड़ेगा, तो बोली ठीक है बार का तो बार में तो तू आ जाएगी पर इनकी बार ओड़े मनावांगे आप आ जाइए इनकी बार सारे मुन्ने क्यों ये आवेंगे इनका गला आना है। और फिर उरे उरे कौन डांगर पशु, डांगर पशु मेरे का कर आया अपनी मैच से आ जाएगी इतने और मैच तो वो 15 दिन पहले भी आज मैच तो याद रह गए 23 दिन कि मैंने माँ एक दिन सिर लाया ही हो किसी का गाड़ी लेके आ जाए सारे जने एक में मेरा समझेटा बहु समझेटे बुआ तो तोड़े तो लोवा पड़ेगा मैं तोड़े की उड़ा जाऊंगी हम तो सारे आज मैं दो साजू पर अड्डा लो लागा गाड़ी मोड़ तो बिठा ली हुई उनका आपका तो राय को नहीं बने नहीं उनका अलग रहा है रोहतक जाने का आपका अलग रहा है रोहतक जाने का कोई नहीं सवेरे ट्रेन में चढ़ लियो 8
थाली में पौने 10 बजे रेलवे स्टेशन पर उतार देगी। हाँ जी आने फिर और आंदोड़ी फिर ट्रेन में 9 बजे मेरे का काट लेगा दाल काट लेगा दाल बस फिर सही है। देखो भाई वैसे कहने की बात है कि पता के शूत बैठेगा उस टाइम पर शूत बैठने की बात हो सबसे बड़ी तो टाइम की बात हो सुख शांति रखें। हाँ बस सुख शांति रखें जाओ भगवान और यू उस टाइम तक मतलब पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो हाँ नू लगा भाई एक हौसला सा हुआ है ना वो बाकी मैंने उम्मीद है भाई पूरा कि वो बहुत जल्दी तो बोल पड़ेगा। ठीक है मैं काम कर लूँ अपना मैडम ने बताऊंगी मैडम ने दिखाऊंगी ये वीडियो नुक्की नु जाके कह दूंगी उठ जान दे शरारत करने लग गया दिखा दे कर ला, बना ले ना इवनू क्यों करा है इवें तेरी नौटंकी सारी दिखाऊंगी दिखा दी मैडम ने सारी दिखाऊंगी लोरी शर्मा प्यारी देख दी भी कितनी प्यारी ना दिखा दी है मैडम ये सारी नोट होने लग रही है तेरी ना दे थी पिटाई करेगी फिर मैडम देख देख मुंह दिखा दे अच्छा दादी को बोलो उनको दादी दे दो दादी दे 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 नहीं दे दो तो इब आ गए हैं नीचे और यहाँ पे मेरी माँ ने हलवा बनाना शुरू कर दिया है और मैं पास में बैठ के जो सब्जी है वो काटन लग रही हूँ और आज सब्जी में बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च जय पास में बैठा है और आधे ट्यूशन पे जा रही है और ये भी बाहर जा रहे होंगे मेरे काका वैश्या के पास में जा रहे हैं बाहर प्लाट में तो इब लेके आवेंगे और काफ़ी दिनों बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई इस तरह से आंगन में बैठ के खाना बनाने में और देखो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा है मतलब इस आंगन में बैठ के हम खाना बनावा जो पुरानी याद है ना वो ताज़ा हो जाए हैं मतलब पहले के जो व्लॉग हैं शुरू के वो तो आपने ज़्यादातर इसी आंगन में खाना बनाते हैं कि दिखते होंगे या फिर जो पीछे मतलब रसोई दिखे हैं उसमें एक हीटर होया करता उस पर मैंने बहुत सब्जी बनाई तो और क्या भी कर दे कि सीमा ये हीटर मतलब तेरा ठीक चल रहा है कि इसकी तार को नहीं जल्दी गया लेकिन फिर उसका इसी नज़र लगी उसके बाद फिर वो यूज में आया ही नहीं और बस ही मैं अपना जो सब्जी है वो काट लूँगी उस टाइम तक तो फिर सब्जी भी मैंने यहीं पे बना ली थी मतलब या कढ़ाई धो के इसी में बना दी थी क्योंकि ना फिर ऊपर जाना मन को नहीं करा मेरी माँ तो कहती भाई ऊपर बना लिया मखाना मन नीचे बनावाएंगे और बस फिर रोटी बना ली थी और उसके बाद खा पी के फिर हम ऊपर गए थे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं मेरी माँ ने कह रही थी मैं खा माँ सुहाड़ी और बना दी हमारे खातर थोड़ी सी बोली ठीक है बना दूँगी और मैं खा एक बोतल लस्सी की और एक दूध की दे दी हमारा 2 दिन तो काम चले जाएगा तो बोली ठीक है मैं ले आऊँगी उस दिन सवेरे क्योंकि वे तुम्हारे तो घर तो को नहीं होता मतलब रह रहे हैं 23-24 दिन बैंस के फिर तो घर का हो जाया करेगा फिर कोई दिक्कत नहीं है दूध घी लस्सी मतलब आया करेंगे जब तो ले जावांगे तो बस ये अपना जो हलवा है वो भी हो गया है लगभग बन के तैयार और ट्राईपोर्ट के बिना बिल्कुल दुखी हो गई थी और ना व्लॉग बनाने मन कर रहा था क्योंकि बस कहीं कहीं पर रखे क्लिप निकाली थोड़ी बहुत और निकलवाऊँ थी वे बिल्कुल क्लियर को नहीं निकल थी क्योंकि इसका जो बैक कैमरा है ना वो बिल्कुल बेकार है ब्लैक ब्लैक सी जो वीडियो है वो आवा है इस करके तो बस जैसे तैसे भी अपना जो काम है वो चला लिया है अंधेरा बहुत थोड़ा होने लग गया तो लो भाई हलवा बन के तैयार है आ जाओ आप सब भी हम खावांगे सासू बहू और बच्चे क्योंकि मास्टर जी यहाँ का तो खांसी हो रही है मैं नू कह रहे थे उसे दिन का बीमार पड़ा हूँ मैं तो बुखार चढ़ा है और दिक्कत हो रही गड़ा में बताया तो ऐसा ऐसा करे खांसी तो दिने की हो रही है हाँ फिर जब एक ही हो रही है सब्जी काट के रख दी है आलू शिमला मिर्च प्याज टमाटर हरी मिर्च यहीं पे बनाऊंगी मेरे काका नहीं आए तो यहीं पे बनाऊंगी रह गए तो फिर ऊपर बैठ जाऊंगी लेके अपना सारा सामान अब ये जो आगे की क्लिप है ये है सुबह की सुबह उठ करके जो चाय पानी है वो हमारा हो चुका है और जो रंगीला चैनल है उस पर मैंने वीडियो डाल दी है तो अब मैंने लगा दी थी सबसे पहले उठ करके मशीन क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रखे थे मशीन भरी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो ये भी धुल जाएंगे साथ में और अपना जो काम है वो भी कर लूँगी क्योंकि कल मैं कोई भी काम निपटा नहीं पाई
मतलब मैंने फुल रेस्ट किया है कल, और आज फिर सारे काम निपटाने पड़ेंगे क्योंकि आज अपनी जो पैकिंग है वो भी करनी है, जो सामान लेकर के जाना है, अपने सूट भी मंगवाने हैं, मुझे सिलने के लिए दे रखे थे वो आए नहीं थे उस टाइम पे, और भी बहुत सारे काम हैं, मतलब आज यहाँ की जो साफ़ सफाई है, कपड़े हैं, वो जो सारे काम हैं वो भी करने हैं क्योंकि कल सुबह में तो फिर हम निकल जाएंगे। तो मशीन लगाने के बाद यहाँ पे जो बेडशीट है वो मैं चेंज कर दूंगी क्योंकि मुझे ही करके जानी पड़ेगी, ये पता नहीं बाद में फिर करें या ना करें, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये दो भी दूंगी क्योंकि साथ में मशीन लगी हुई है ना इसलिए। और ये जो मैट्रेस कवर है ये भी मैं धुल दूंगी, उस दिन भी मैं धो नहीं पाई थी और फिर पता नहीं कब मेरा चक्कर लगेगा क्योंकि अब शायद अगले सप्ताह तो मैं ना आऊँ, वहीं पर रहूँगी। और ना बहुत सारे, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे नंबर दिया था तो उस पर भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी कहाँ ले लिया आपने नया घर, यहाँ अभी नया बनवाया था, क्यों ले लिया आपने वहाँ पे, या आप क्यों रहने लग गए वहाँ पे। इतने सारे कमेंट तो आ ही रहे हैं, वहाँ पे मैसेज भी आ रहे हैं। तो देखिए अच्छा हो अगर मैं हर बंदे को मैसेज में इतनी बातें नहीं बता सकती, रिप्लाई नहीं कर सकती, तो इसका मतलब यही है ना साफ कि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, सिर्फ आप लोग टाइटल थंबनेल देखते हो और फिर मैसेज करके पूछना शुरू कर देते हो। अच्छा है ना आप वीडियो खोल करके देख लें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और हर एक एक बंदे को नहीं समझाया जाता, और जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं मेरे हिसाब से उनके मन में कोई भी सवाल नहीं होगा किसी तरह का क्योंकि हर बात हम क्लियर करके चलते हैं। तो प्लीज़ जो पिछली वीडियो है ना वो जा करके देखें, इतने सारे मैसेज, इतने सारे वॉइस मैसेज, हम किस किस का रिप्लाई करेंगे। और जब आप लोग वीडियो ही नहीं देखते, इंटरेस्ट नहीं रखते हो, तो फिर ये बातें पूछने का भी देखो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने चाय बना करके पी ली है, जो मैं सेकंड टाइम की चाय पीती हूँ। और अब मेरे जो कपड़े हैं वो भी धुल चुके थे, मतलब एक जो चक्कर है वो मेरा धुल गया था, तो ये मैं निकाल दूँगी और जो दूसरे कपड़े मुझे डालने हैं वो डाल दूँगी। लेकिन हाँ इनको धोऊँगी मैं बाद में ही, जब मेरा वीडियो का जो काम है वो सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं अपने जो प्लांट्स हैं उनको संभाल रही थी और मेरे पास कमेंट आए हैं कि हम तो ना आपके प्लांट्स को देख करके दिन की शुरुआत करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने आज आप लोगों की सारी इच्छाएं पूरी कर दी हैं, आराध्या को आप मिस कर रहे थे, मेरी माँ को कर रहे थे, मेरे प्लांट्स को कर रहे थे, तो आज सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी हैं। तो इस प्लांट्स में मुझे मिट्टी कम लग रही थी, मिट्टी डाल दी है, पानी डाल दिया है और बस सारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से चले हुए हैं, मतलब प्रॉपर रूप से इनकी जो देखभाल है वो की गई है। और अब आ गई हूँ किचन में अंदर, तो अब यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और अब कुछ बर्तन मैंने निकाल लिए थे, जैसे जो परात वगैरह है या फिर जो भी मुझे लेकर के जाना है वो, और कुछ रखे हुए थे जूठे थे मतलब चाय दूध के, तो ये जो सारे बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर दूँगी। और जो बोतल है वो निकाल ली थी, इनको भी मैं अच्छे से धो करके, जो बुरश आता है ना बोतल धोने का, उसके साथ, और फिर धूप में रख दूंगी सूखने के लिए क्योंकि फिर इनमें कल जो दूध और लस्सी है वो लेकर के जाना है ताकि भाई ख़राब ना हो। वैसे तो हम फ्रिज में रख देंगे लेकिन ये कि रास्ते में जाने का ही है, वही 2-3 घंटे जितना भी टाइम लगेगा। ट्रेन में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ट्रेन में तो मेरे को पता भी नहीं चलता सच में इतना जल्दी हम पहुँच जाते हैं, या फिर ये लगा लो भाई परेशानी नहीं होती ट्रेन में इसी करके पता नहीं चलता। बस में तो उस दिन आए ना, उस दिन बस ये हो गया था पता नहीं कब गांव आएगा। और फिर एक बार बार वो होता है ना चेंज करनी, जैसे 3 बसें चेंज करनी पड़ती हैं, ट्रेन में तो टोआना से बैठो सीधा रोड तक उतारेगी, बस वहाँ से अपना ऑटो लिया और पहुँच गए घर पे। तो बस अब अपना जो ये काम निपटाने के बाद फिर मैं करूँगी अपनी वीडियो की एडिटिंग क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊँगी। और भाई चलो अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।